अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ वजीहा अमार। आज के एपिसोड में हम दो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे, एक तो अंदरूनी सियासत और दूसरा अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस के बारे में। अस्सलामुअलैकुम सर। सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आज जो नैब के ऑफिस के बाहर हमला हुआ है और दोनों पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि नैब कह रही है कि नून लीग वालों ने किया है हमला और नून लीग वाले कह रहे हैं कि नैब ने किया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या ख्याल है आपका? देखें, ये तो पुरानी सियासत है, चाहे नून लीग हो, पाकिस्तानी सियासत है इसी का। अब नैब को भी, चूंकि नून लीग काफ़ी टाइम से कोई न्यूज़ में थे नहीं, तो ये भी एक अच्छा मौका है पब्लिक स्टर्न का, कोई ऐसा काम करोगे ताकि न्यूज़ में आप इन हो जाए। और मरियम सफदर नवाज जो है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ से बाहर थी, तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स अच्छा काम था कि पोलिट्री उसके थ्रू, क्योंकि और कुछ ऐसा मौजू है नहीं जिसमें उनका जिक्र किया जाए, तो यही मौजू है। करप्शन के अलावा एक ही मौजू होता है जिनमें अब इस तरह के मौजूद में ही उन्हीं की डिस्कशन होती है, या करप्शन से रिलेटेड या कोई बदनज़मी या कोई इस तरह से। तो अच्छा पब्लिक स्टंट, मैं तो सिर्फ पब्लिक स्टंट से कहूँ, ये प्री प्लान था डेफिनेटली। अब एक गाड़ियाँ जो कि गलत नंबर प्लेट लगी हों, जाली नंबर प्लेट्स हों और उसमें पत्थर भर के आना, तो प्री प्लान ही होगा, उनको पता था। सर, इस वाक़े की वजह से जो है नैब ने पेशी की आगे डेट दे दी, अभी कोई डेट का नहीं पता लेकिन आगे कर दिए, तो आपको क्या लगता है, ठीक हुआ है? देखिए, हमारे जो पाकिस्तान या अंडर डेवलप्ड कंट्री जितनी भी हैं उन सब में ये मुश्किलात, सबसे ज़्यादा मुसीबत जो होता है वो अदलिया की तरफ से होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं और आप कोई कसूर कर ले तो उनको हफ्ता नहीं लगता उस चीज़ को सब कुछ वाइंड अप करने में। बिल्कुल। अब कोई बड़ा आदमी हो तो पता नहीं कितने महीने, साल, ये शायद 2-3 साल और चल जाए, वो चलता रहेगा। और लाजिम बातें देखिए, कानून में एक चीज़ है, आप जब कोई डिसीजंस, कोई भी एविडेंस हो, कोई भी गवाह हो, अगर आप उसको ईयर्स दे रहे, साल साल मौका देंगे, तो वो डेफिनेटली किसी न किसी उस पर प्रेशर इतना होता है कि वो अपने मौके से या अपने बयान से दाएं बाएं हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये करना चाहिए अगर इंसाफ हो, मगर चूंकि पाकिस्तान में रिवायत बनी हुई इसी से, तो हम ये हमारे लिए नॉर्मल बात। मतलब पेशी को आगे करने के लिए सब ड्रामा किया गया, आपको लग रहा है? पेशी भी, मगर साथ ही साथ न्यूज़ में होने के लिए, क्योंकि ये भी हमारे सियासत भी जो है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरह है कि अगर आप जिस तरह की वो एक्टर और एक्ट्रेसेस करते रहते कि जब वो कोई अच्छा ऐसा कुछ, उनकी कोई मूवीज़ वगैरह नहीं बननी होती है तो कोई ना कोई ऐसा कुछ टर्न्स करके ट्रेंडिंग में अपने अपने आप को इन करने के लिए करते हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन भी वही कर रहे हैं। सर, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल, ये लोग भी इस सारे वाक्य के ऊपर PMLN वालों की तरफदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, वो सारे अपोजिशन है, अपोजिशन चाहे जो भी हो तो वो लाजिम आता है, यकजा ही होंगे। अपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो उसमें एक पार्टियाँ नहीं होती, एक पार्टी नहीं होती, वो डिफरेंट पार्टियाँ जो भी अपोजिशन में बैठे हैं वो सारे एक ही रो में। आप असेंबली में देख लें, जो कानून वाला जो हुकूमत के साथ होते हैं वो एक साइड पर बैठे होते हैं, जो अपोजिशन वाले होते हैं अलग साइड पर बैठे होते हैं। उसका मतलब है कि दो ग्रुप्स होते हैं जहाँ भी, चाहे सेनेट में हो चाहे, तो यहाँ भी वही सब कुछ होता है कि वो लाजिम बात है कि वो अपोजिशन में हैं तो इकट्ठी होंगी। बट इस चीज़ में मैं थोड़ा सा नाज़रीन के लिए इन्फॉर्मेशन देती हूँ। देखिए, इसमें इमरान खान की भी गलतियाँ हैं। देखिए, आपका अपोजिशन से लाख इख्तलाफात सही जो कर, मगर कुछ डिसीजन ऐसे होते होती हैं कि जहाँ पे आप APC बुलाना चाहिए और उनकी भी मशावरत, बेशक आप डिसीजन खुद लो मगर मशावरत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, आप सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते कि जब दिल का जो भी डिसीजन हो, बड़ी से बड़ी डिसीजन हो आप खुद लेते हैं, बेशक छोटी पार्टी हो बड़ी, मगर आपको APC में की मशावरत से या अपोजिशन की मशावरत से चीज़ें करनी चाहिए। सबकी रजामंदी होना जरूरी है। देखिए, हुकूमत चलाना जो है ना वो ये नहीं होता कि आप अपनी पार्टी चलाएं, हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत, तो आपको चाहिए कि अगर आपके पोजीशन में भी हो उनको भी साथ लेके, यही तो गुर है एक अच्छा पॉलिटिशियन या अच्छा लीडर या अच्छा आपको हुक्मरान, वही होता है जो अपनी पोजीशन को भी कोई ऐसा मौका ना दें जिससे उसकी आवाज़ उठे या वो उसके अगेंस्ट कोई बात कर दें। मेरे ख्याल से इसमें इमरान खान को साथ लेके चलना चाहिए, ये डेफिनेटली होना चाहिए ना। मतलब आप हुकूमत में हो, पार्टी के हेड नहीं हो इस टाइम, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो आपको सबको साथ लेके चलना।
सर, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नैप को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है? हो रही है या नहीं हो रही? हो सकता है, देखें हुकूमत उस ऐसा चो नहीं कर रही, बट शायद पी एम इमरान खान ना करें, मगर ये तो बात बहुत से चीज़ों में आ गए कि हमने बड़े छोटे छोटे मौजूआत को पकड़ लिया है। मतलब ऐसे बड़े मौजूआत आए जिस पे बात करनी चाहिए, जिस पे देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आटा और चीनी का बुरान, ठीक है, अब वो कमीशन बैठ गया, हुआ क्या? असल चीज़ है कंक्लूजन, वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, ऑल इज़ गुड व्हेन एंड इज़ गुड। मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि जो ये कौन कौन आए और कौन कौन किस किस का लिस्ट में नाम आए, मुझे इससे गर्ज है कि किसको सजा हुई, किसको पेनल्टी लगी। मतलब अगर जिसके जितना चीनी वो जब्त हो जाता, जितनी भी चीनी जितना आटा मिले वो सब जब्त हो जाता, तो मेरे नहीं ख्याल दोबारा ये काम। तो असल चीज़ है कंक्लूजन, कंक्लूजन पे आए तो मैं मानूँ, मगर असल इसके अलावा तो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उससे मुझे कोई गर्ज नहीं। सर, अपोजिशन ने जो एपीसी का इजलास बुलाया था, उससे वो किस हद तक कामयाब होगा? देखिए, जब आप मैदान में जंग में होते हैं तो दोनों पार्टियां कोई भी ये नहीं कहती कि हम कमज़ोर हैं। अब एपीसी बुलाने का डेफिनेटली एक सारी पार्टी जब यकजा होंगी, प्रेशर तो बिल्ट अप होगा। तो वही बात मैं जो पहले की थी कि ये अच्छी हुकूमत की निशानदेही यही है कि आप ऐसे माहौल क्रिएट कर दो जहाँ पे आपको अपोजिशन के लिए कोई सॉलिड कोई बात मिले ना जिस पे वो आपके अगेंस्ट खड़े हों। बिल्कुल, मतलब हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए ताकि हमें हर चीज़ में जो है बाहर की लोगों से भी इंटरेक्शन करने में हम साथ होंगे तो ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। हाँ, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सोलो फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए, कुछ स्पेशली जो बड़े मौजूद हैं, जिस तरह के अमेरिका से पाकिस्तान का रिलेशन, चाइना से पाकिस्तान का रिलेशन, सऊदी के साथ जो हमारा आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो, ईरान के साथ, इंटरनेशनल मौजूद पे, बड़े डिसीजंस पे, बजट के हवाले से, बजट की नॉमिनेशंस के हवाले से, ये मौजूद पे चाहे जो कोई भी हो उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए, साथ सबको साथ लेना चाहिए। सर, चंद माह पहले हुकूमती और अपोजिशन बयानात के मुताबिक हमें लग रहा था कि हुकूमत ज़्यादा अर्ज तक नहीं चलेगी, तो अब की सिचुएशन के लिहाज से आपको लगता है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर सकेगी? देखिए, ना मुझे तब लग रहा था कि हुकूमत जाने वाली, ना मुझे अब लग रहा है हुकूमत जाने वाली। पाकिस्तान ये नाज़रीन को भी एक इंफॉर्मेशन ही डिलीवर कर दूँ, पाकिस्तान इस टाइम जो इंटरनेशनल क्राइसिस में और इंटरनेशनल फाइट में, जिसको कोल्ड वार आप कह सकते हो, इंडिया के साथ जो दोनों एक गौतम गुता है और लड़ाई कोल्ड वार चल रही है, इस टाइम पे हम कोई भी चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपोजिशन पार्टियाँ भी जानती है, ये हुकूमत भी जानती है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। तो इसी हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कोई भी होगा, खुद अगर मैं कहूँ कि अपोजिशन वाले भी इस टाइम अगर वो अपनी, चूँकि पॉलिटिक्स तो करनी है, अदरवाइज़ वो खुद भी नहीं, अगर वो कहें ना कि आज एक दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो खुद भी रेडी नहीं है अपोजिशन वाले भी, वरना वो इस सिचुएशन में कोई भी नई गवर्नमेंट लाना चाहता है। बट बाकी सब तो ये हवा बातें, जितने लोग इनके साथ हैं इनको कोई टाइम नहीं लगेगा हुकूमत गिराने में, मगर ये खुद भी नहीं चाहते ऐसा, खुद भी नहीं चाहते, बस यही कि अब अपने वोटर सपोर्टर्स के लिए भी कुछ ना कुछ कहना तो है ना। बिल्कुल सर, इस टॉपिक को एंड करते करते अगर आप इस बारे में कोई हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें रिलेटेड टू जो आज हुआ सब कुछ पीएमएलएन की तरफ से और नाब की तरफ से। देखिए, मेरे मैं क्या कहूँ, मेरे कहने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, मगर फिर भी आप कहती हैं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने लिए हमेशा ही बंदा सोचता है, मगर कभी कभार ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका या ऐसा टाइम आ जाना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि आप अपने आप को पीछे रखें, कभी अवाम और मुल्क का भी सोचें। मतलब जो अगर आपके इमरान खान के साथ इस तरह का अख्तिलाफात है, बड़ापन निकालना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप बड़े पॉलिटिशियन हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, जहाँ पे मुल्की मफादात आ जाए, मुझे नहीं लगता कि किसी को पार्टी पार्टी खेलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, हर किसी को अपने इस चीज़ पे देखना चाहिए कि इस टाइम हम जिस क्राइसिस में हैं,
उस क्राइसिस से कोई सोलो पार्टी हमें नहीं निकाल सकती, सबको यकजा होना पड़ेगा। और सेम चीज़ में इमरान खान हमारे पीएम साहब के लिए भी कहूँगा कि उसको भी थोड़ा सा लचक दिखानी पड़ी और दिखानी चाहिए भी, बिकॉज वो हुक्मरान है और इस टाइम में जो है उसके हाथ में ये वो पीएम, मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि वो पीएम इमरान खान है, पीएम पाकिस्तान का पीएम है, वो चेयरमैन पीटीआई नहीं है। जब वो डिसीजन लेता है और जब वो बोलता है तो उसे एज ए पीएम इमरान खान कहना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए, ना कि चेयरमैन पीटीआई के तरह वो जो पहले लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे अब की लैंग्वेज में फर्क होना चाहिए, वो जो पहले करते थे और अब जो करते हैं उसमें फर्क होना चाहिए। वो जो पहले जिस तरह से द वे ही डिलीवर्ड और अब, उसमें फर्क होना चाहिए, तभी हम आगे जा सकते हैं और तभी हम कुछ कर सकते हैं। और आई होप सो, मगर जो जो उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान को कोई भी मैसेज अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं या कोई भी अच्छा काम करने देंगे।